brought to you by Techno Camon 30 series. आपको काम नहीं करना, आपके नाम का कोई पत्थर नहीं है, पांच विकास उनके नाम का कोई बता दे कुछ नहीं है, कहेंगे गरीबों के पसीनों से बदबू आती है तो जनता क्या करेगी। रवि किशन जी से निषाद समाज को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कहेंगे कि निषाद समाज के पसीने से बदबू आती है तो हमारा समाज कहाँ जाएगा। तो इसीलिए घर की बहुरिया को वोट देंगे, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ, हम माननीय सांसद जी फिल्मों में बहुरिया बनते हैं। ये है गोरखपुर से गठबंधन की प्रत्याशी काजल निषाद, वही काजल निषाद जो देखते देखते बड़े बड़े राजनेताओं को हड़का देती है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है, इसमें सीएम योगी की गढ़ और रवि किशन के संसदीय क्षेत्र यानी गोरखपुर में भी मतदान होना है। चुनावी माहौल में काजल निषाद पैर में चोट लगने के बावजूद भी लोगों के बीच लगातार जा रही हैं। जब हमने गोरखपुर सदर सीट से गठबंधन प्रत्याशी काजल निषाद से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत अच्छी है, ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने रवि किशन पर भी जमकर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ लड़ाई बाहरी वर्सेस घर की है, बाहरी कभी आए नहीं। काजल निषाद ने रवि किशन पर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों ने आशीर्वाद देकर सांसद तो बना दिया, लेकिन उन्हें समाज के लोगों से पसीने की बदबू आती है, ऐसे में जनता बदलाव चाहती है। जहां आप जा रही हैं वहां पर क्या स्थिति दिख रही है, लोग क्या कह रहे हैं और क्या आगे दिख रहा है? लोग यही कह रहे हैं कि हम बाहरी को भगाना चाहते हैं, अपनी बहू बेटी काजल निषाद को जिताना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए लड़ाई है ये नहीं है, बाहरी वर्सेस घर की लड़ाई है और लोग अपने लोकल प्रत्याशी को जिताना चाह रहे हैं। बाहरी जो है वो आए नहीं कभी, सांसद तो बनाया जनता ने प्यार आशीर्वाद देकर, एक गरिमामय पद पर उनको विराजमान किया, लेकिन उस पद पर विराजमान होने के बाद जी माननीय जी अभिनेता से नेता बने तो अभिनेता बनकर ही रह गए। जनता के बीच में आप जाएंगे नहीं तो क्या संदेश जाएगा? आप जनता के बीच में जाएंगे, काम करने के लिए आए हैं। आपको काम नहीं करना, आपके नाम का कोई पत्थर नहीं है, पांच विकास उनके नाम का कोई बता दे कुछ नहीं है, कहेंगे गरीबों के पसीनों से बदबू आती है तो जनता क्या करेगी, इसलिए जनता बदलाव करना चाहती है। अच्छा एक चीज़ और बताएं कि यहाँ पर लगातार हम लोग भी दौड़ रहे हैं फील्ड में, और जहाँ आप जा रहे हैं क्या वहाँ पे लग रहा है कि जैसे कि संजय निषाद को लेकर के लोग उधर से अस्वस्थ हैं, तो क्या लगता है उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है कुछ? देखिए माननीय जी मेरे ससुर हैं, वो मुझे अंदरूनी भी आशीर्वाद दे रहे हैं, और इस बार यहाँ पर तो रवि किशन जी से निषाद समाज को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कहेंगे कि निषाद समाज के पसीने से बदबू आती है तो हमारा समाज कहाँ जाएगा। तो इसीलिए घर की बहुरिया को वोट देंगे, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ, हम माननीय सांसद जी फिल्मों में बहुरिया बनते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, अभी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल अभी ये बताएं कि आज आपका प्रोग्राम कहाँ, आप क्या करने वाली हैं? आज पिपराइज है और रोड शो है, कल सहजनमा बहुत ऐतिहासिक रोड शो हुआ है और आज पिपराइज है, रोड शो। देखिए मेरा पैर टूटा है, फिर भी बहन को पूछ लीजिए, कल 15 घंटे में खड़ी रही, 15 घंटे सुबह से लेकर रात को नीचे उतरी हूँ। इस तरह मेरी जनता का जो आशीर्वाद है उनको देख के इतना हिम्मत आ जाता है, एकदम थेथर हूँ जनता के लिए मैं, लेकिन लगातार चलती हूँ। जी जी जी, बीच में जब आपकी तबीयत खराब हुई थी तो लोगों ने अफवाह उड़ाया कि नहीं वो भाग गए, तो ऐसे में वो आप उसके लिए क्या? कौन भाग गए? जैसे आपको कहा गया कि आप बीच में आपकी तबीयत खराब हुई थी, आप एडमिट तो एडमिट थे ना। अब भाई हम यमराज को हरा के आ गए तो दम मारने वाले दमराज को नहीं हराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी जनता को मैं अपील करना चाहती हूँ कि 14 साल मेरे संघर्ष को हो गए हैं, तो 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया था, मेरा वनवास खत्म करे, क्योंकि 1 जून को मतदान अवश्य करे, पहले मतदान फिर जलपान। मतदान इसीलिए भी करे क्योंकि हमारा जन्मदिन है 1 तारीख को, तो हमको आशीर्वाद के रूप में एक मत चाहिए, एक वोट चाहिए। तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को लेकर काजल निषाद ने कहा कि माननीय जी मेरे ससुर हैं, वो हमें अंदरूनी आशीर्वाद दे रही हैं, और इस बार यहाँ पर रवि किशन जी से निषाद समाज का कोई लेना देना नहीं। काजल निषाद ने कहा कि 1 जून को मतदान है और 1 जून को उनका जन्मदिन भी है, इसी के उपलक्ष में लोग अपने आशीर्वाद के रूप में उन्हें वोट दे। खैर चुनावी माहौल है, दावों का दौर भी लगातार जारी है, एक तरफ रवि किशन योगी की गढ़ में
मोदी लहर में जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ काजल निषाद का दावा है कि इस बार जनता बदलाव करके रहेगी। अब जनता 1 जून को किसका साथ देती है और किसे संसद तक पहुंचाती है, ये तो चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे। लेकिन गोरखपुर में क्या होने वाला है, गोरखपुर के सियासी समीकरण और काजल निषाद के इन बयानों को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। गोरखपुर से गजेंद्र गिरिराज की रिपोर्ट, यूपी तक।